सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपाली श्रीवास्तव। लोगों को हंसाना आसान बात नहीं, ये एक कला है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो इस कला में माहिर है। नाम है अनु अवस्थी, कानपुर वाले। द फ्रंट में आपका बहुत स्वागत है। आज तो है धनतेरस, आज आप अकेले गुड़िया भाभी का है। गुड़िया भाभी का है क्या कि शाम का जाए थे हम उनके कह रहे हैं अभी चलो, लेकिन ये कह लगी अभी ना चलो। एक कह रहे ना वीडियो बना दो, हमका वीडियो से तुमका का लेना देना, तुमका खरीदारी से सोना चल रहा 38,000 और 40,000, अभी 4 दिन बाद यही सस्ता तो हम मना कर जाए तो वही मुंह खुलाए बैठी है। तो अभी कह रहे ना कोई से फोन मा हमका सुनाए के लिए कह रहे ना, मतलब चलाए के लिए हमका कह रहे ना। धनतेरस है, लक्ष्मी जी का दिन है, अगर लक्ष्मी जी के दर्शन करेगो तो हमारे घर आ जाओ, और लक्ष्मी जी की सवारी के दर्शन करेगो तो इनके आप फिर चले जाओ, मतलब उसको। तो हम उससे कई दिन हम कहा अगर दूसरी सवारी के दर्शन करेगो तो इनके घर चले जाओ, ना उनके भाई और पिताजी तो वही मुंह बुलाए बैठी है। तो हमका भी दर्शन निकल ले रहा, हमका आपके अनुरे बड़ा नाम सुना आपके ऑफिस का, लेकिन आज धनतेरस है और आज खरीदी जाती है, आपको पता है क्या? झाड़ू सफाई करने वाली अगुड़िया भाभी का तो मुंह फूला हुआ है, तो आपको डर नहीं है कहीं आपका स्वागत उसी से हो गया तो? नहीं, अब हम शाम का जेबे उनका लेके जेबे कहूँ ना कहूँ, ऐसा नहीं है, घुमा के लेके जेबे। और बस वही है, उल्टा सीधा बात करे लगती, बताओ लक्ष्मी जी की सवारी बताए कौन जरूरत, हम तुमका लक्ष्मी जी बता रहे हैं, तुमका जो सवारी है का आदमी मोर का जान नहीं ना, सवारी उल्लू घूमती रहे लक्ष्मी जी। आपका करवा चौथ वाला भी वीडियो खूब वायरल हुआ, हाँ। आपने व्रत भी रखा था गुड़िया, हम व्रत रहे थे 23 साल हो गए हमका धीरे। अच्छा, 23 साल हो गए, हाँ, 6 साल शादी के बाद 23 साल हो गए। अब तक हमारे रायपुरवा मंडल के अध्यक्ष है विनय त्रिपाठी, वह व्रत रहे, उनकी 28वें 29वें साल रहे, लेकिन व्रत पहला है मेरे पति। आपके भी थे? जी जी जी, हमारे अब अंकल लग रहा है 5 साल बाद आदमी रह लगी और तो छोड़ दे। अच्छा एक बात बताइए कि योगी सरकार, लोग योगी सरकार को कायदे से गरिया रहे हैं, 2 दिन बाद दिवाली है और एक तो जुआ खेलने वालों पे लगा दी रासुका कि भैया नहीं करना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू कर दिया कि 8 से 10 के बीच में ही पटाखे जले, हाँ, तो भैया लोग करे तो करे क्या? देखो योगी जी का बड़ा सम्मान है उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी जी बाप नहीं है कोई के, हम लोग अपने बाप की नहीं मारा, जूता खा ली लेकिन करा अपने मन की। और योगी जी ये कहे ने साफ सदन में कि दिवाली वाले दिन ना खेलो, एक दिन पहले खेलो एक दिन बाद खेलो, थोड़ा मना करें तो मैं कुछ नहीं हूँ। बाकी योगी जी बहुत अच्छे आदमी है, भक्त आदमी है, महात्मा आदमी है। अब आदमी देखो अमरनाथ यात्रा में जावो तो साल में एक बार कहे के लिए जावो, तो योगी जी हमारे अमरनाथ बाबा, उनका नीचे के विषय में थोड़ा कम पता है। बाकी जुआ आज से थोड़ा हो रहा, जब से दिवाली बनी है तब से जुआ हो रहा, ऐसा कोई बंद भी ना कर पाई है दुनिया की कोनो ताकत। बाकी योगी जी कहे ना कि उस समय पूजा समय ना खेलो, अपना गणेश लक्ष्मी पूजा करो, एक दिन पहले खेल लो एक दिन बाद खेल लो, ऐसा तो समर्थन करे चाहिए, हम एक दिन पहले खेला एक दिन बाद खेला वो दिन ना खेला, भाई हमारे मुख्यमंत्री है मना करे ना इतनी बात रखा जाए। लेकिन कानपुर वाले खास करके अपने बापों की नहीं सुना था, सलमान खान क्या कहे थे जब हम जुआ हारते हैं तो भी अपने बाप की भी नहीं सुनते हैं, तो फिर यही है सिस्टम उनका की। अच्छा एक आखिरी चीज, अभी 2 दिन पहले मैंने एक दीवार पे वॉल पेंटिंग देखी कि कानपुर को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में नंबर 1 है, और कानपुरियों की आदत आज मसाला खा के पीछे से थूका, कहीं थूका यहाँ थूका वहाँ थूका, तो अब कानपुर वालों को आप क्या संदेश देंगे, कैसे कानपुर नंबर 1 बनेगा? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा कोनो चीज के पीछे ना पड़े चाहिए, हम आपसे रोज लौकी गई हो कहीं बहुत अच्छी बनाओ बहुत अच्छी बनाओ, तो रोज अच्छी बना पी, जब मसाला बिकी सड़क में तो का खावा घर में जाएगा, जब खावा सड़क में जाए तो थूका सड़क में जाए, तो या तो पहले मसाला बंद करा दो, नहीं फिर खाए वाले इनकी गलती ना निकालो। अब जो पॉलीथिन है आप देख रहे हो, केवल ठिलिया वाले सब्जी वाले इनके पीछे पड़े हो, और बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट है सब पॉलीथिन मार है, तो ये अत्याचार है का ना करे चाहिए, या तो
मसाला बंद करा दो, जुआड़ी पकड़े रह दो, ताशे पीका बंद करा दो, शराब बंद करा दो, और ये सब तुम खुले आम बिछियो भी कहियो कोई पिए ना खाए ना, तो ये तो मूर्खता की बात है ना। हम खुदे खाए थे तो सड़क में टूटी थे, अपने घर में टूटी मार खाएगा। भाभी जी का फोन आ गया है, शॉपिंग का टाइम भी हो गया है, इसलिए मेरे और अनुज की तरफ से द फ्रंट के सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत।